ये छह चीजें जिसको आप भूलकर भी गूगल पर सर्च मत करना, नहीं तो आपको हो सकती है जेल और लग सकता है 10 लाख का जुर्माना। गूगल एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी सर्च कर सकते हो, और अगर आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी सर्च करते हो तो आपको पड़ सकता है भारी। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो इसके लिए गूगल हमेशा सतर्क रहता है। गूगल की पॉलिसी अलग अलग देश के हिसाब से अलग अलग होती है, क्योंकि गूगल जिस देश से भी ऑपरेट करता है उसके लिए उसको उसी कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। ऐसे में आपको गूगल पर कुछ भी सर्च करने से पहले सतर्क रहना चाहिए। भारत में भी कुछ चीजें ऐसी है जिसे आप सर्च नहीं कर सकते। आपको ऐसी ज्ञानवर्धक चीजें देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हर रोज आपके दिमाग की घंटी बजती रहे। प्राइवेट फोटो एंड वीडियो, अगर आप किसी के पर्सनल फोटो या फिर वीडियो उनके परमिशन के बिना शेयर करते हो तो आपको ये गूगल परमिशन नहीं देता, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि ऐसा इसलिए है कि सबको अपनी प्राइवेसी का अधिकार है, जिसकी वजह से आपके पर्सनल फोटो या वीडियो आपकी परमिशन के कोई भी शेयर नहीं कर सकता। चाइल्ड पोर्न, भारत सरकार इस टॉपिक को लेकर काफी सख्त है, और आपको भी ऐसी कोई भी चीजें सर्च नहीं करनी चाहिए जिससे आपकी जिंदगी खराब हो। इंडियन लॉ के हिसाब से आपको पॉस्को एक्ट 2012 के सेक्शन 14 के तहत 5 साल से लेकर 7 साल तक सजा हो सकती है। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो ऐसी चीजें देखने वाले मानसिक रूप से काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। किसी पीड़िता का नाम और फोटो शेयर करना, कभी कभी आप बिना कुछ सोचे ही कुछ भी शेयर कर लेते हो, लेकिन आपको कुछ भी शेयर करने से पहले सोच लेना चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। किसी ऐसी पीड़िता जिसके साथ छेड़छाड़ या दुर्व्यवहार हुआ हो उसकी फोटो या नाम शेयर करना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया आदि पर ऐसी किसी भी पीड़ित महिला की फोटो पोस्ट नहीं करेगा। अगर आप ऐसा करते हो और इसकी भनक पुलिस को लग गई तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। फिल्म पायरेसी, ये कानून फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो बढ़िया है। इसके तहत अगर किसी भी फिल्म को कोई भी बिना किसी अनुमति के रिकॉर्ड करना या फिर इसे किसी भी साइट या मीडिया पर अपलोड करना बिना फिल्म के प्रोड्यूसर या बिना कंपनी के अनुमति के, अगर आप किसी फिल्म को रिकॉर्ड या फिर अपलोड करते हो तो सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत आरोपी को 3 साल की कैद या 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। गर्भपात, अगर आप गूगल पर ये सर्च करते हो कि गर्भपात कैसे करना है तो ये गैर कानूनी है, और आपके द्वारा ऐसा करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 312 से लेकर 318 तक शिशु तथा गर्भपात से संबंधित कार्यों को अपराध घोषित किया गया है। बम का प्रोसेस, अगर आप बम बनाने की प्रोसेस सर्च करते हो तो आपको जेल तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही आपको सुरक्षा एजेंसियों के सवालों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर ऐसी कुछ भी चीज आप सर्च करते हो तो आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का IP एड्रेस सीधा सिक्योरिटी एजेंसी तक पहुंच जाएगा। तो ये 6 चीजें आपको कभी भी भूल कर भी गूगल पर सर्च नहीं करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।